बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू कुक इट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार चना चाट बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत डिफरेंट भी है। तो चलें अब हमें इस चाट बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इमली का पल्प, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हमने नमक लिया है क्योंकि नमक हमने चनों में भी ऐड किया। चनों में नमक डाल के मैंने इन्हें बॉईल कर लिया था। आलू बॉईल कर लिए थे मैंने, इन्हें काट के रखा है। ये खीरा है, एक बड़े साइज का खीरा मैंने काट लिया है। थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें, हरी प्याज और टमाटर। हरी प्याज की जगह आप दूसरी प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन सारे मसालों को पानी में मिक्स कर दूंगी। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, धनिया पाउडर में मैं अब आमचूर का पाउडर और हल्दी शामिल कर रही हूँ, नमक काला नमक और वाइट नमक, हरी मिर्च और चाट, लाल मिर्च और चाट मसाला। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इन सब मसालों को मैंने अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल लेंगे। अब हम इसमें जीरा शामिल करके इसे फ्राई कर लेंगे। एक मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें अदरक शामिल करेंगे। इसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे जो हमने मिक्स कर लिए थे। मसालों को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। हमने मसाले को अच्छी तरह फ्राई कर लिए। आप देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ रहा है साइड से। अब हम इसमें चने शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे चने अच्छी तरह मसाले से कोट हो चुके हैं। अब हम चने निकाल लेंगे। चनों को मैंने ठंडा होने दिया था। अब मैं इसमें उबले हुए आलू शामिल कर दूंगी। खीरा, टमाटर, हरी प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा चाट तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा चाट तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको इस चाट की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।